और तुम पे पिछले 3 दिन से जिस तरह से कुदरत के निजाम को तुम बता रहे थे कि हमारे साथ है, उसकी तस्लील कर रहे थे, तुम नेचर से मजाक मस्ती कर रहे थे, तुम अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे उसको। कुदरत का निजाम फेल नहीं हुआ, तुम फेल हुआ, बिल्कुल फेल है। ये भी ऑस्ट्रेलिया देखने लगी। इसका मतलब है कि आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी, और ये हम अभी नहीं कह रहे कि मैच टीम हार गई है, और हम मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है। तो आपने किस बेस पे मिडिल ऑर्डर सेलेक्ट किया था? अभी आपने इंडिया में इंशाल्लाह वर्ल्ड कप उठाएंगे, 2011 में तो शायद कोई और था इंडिया में जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया था, तो भी नया लॉलीपॉप शुरू हो गया, अगले वर्ल्ड कप लॉलीपॉप आज से शुरू हो गया। और जीत कुदरत के निजाम ने आज फैसला किया बटलर का, क्योंकि उसने न्यूजीलैंड जिस तरह से इंडिया को मारा, उसने चेतावनी दे दी थी तुम्हें कि टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी एमसीजी में, आओ तुम एमसीजी में। वो डोमेस्टिक भी प्लेयर्स के साथ खेले होते हैं, उनको हर बंदे का पता होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम पता नहीं कहाँ से एक बंदा सोया हुआ, वो पीटीवी पे किसी चैनल पे बिठाते हैं, आप उसको पहले उसको तैयार करते हैं, कोई उसको किसी को कमेंटेटरी में कमेंटेटर बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं, मतलब लॉबी सिस्टम है। कौन सा शाहीन था तुम्हारा कि कैच लेते ही टीम ग्राउंड से बाहर हो गया, बॉली हाथ में नहीं आई? अबे भाई, घुटने का मसला नहीं था, उसकी फिटनेस का मसला था। पहले दिन से हम कह रहे थे कि अगर आप जैसे सिलेक्शन जब आपने की, तो आपने बड़ा लैपटॉप लेके आए और कहा जी मैंने तो ऑस्ट्रेलिया को देखा, मैंने शोएब मलिक को इसलिए नहीं रखा कि हमें आसिफ अली, या मुझे आसिफ अली से कोई, हाँ जब शायद वो रिजाइन दे देंगे, जॉब से चले जाएंगे, फिर किसी टीवी चैनल पे बैठेंगे, फिर किसी टीवी चैनल पे वो बैठेंगे, फिर वो जा कहेंगे नहीं मेरे हाथ में तो कुछ था ही। वर्ल्ड कप की खराब कारकर्दगी पर वो रिजाइन देंगे? देना चाहिए। जैसे प्लेयर परफॉर्म नहीं करता कहते इसको बाहर कर दो, ठीक है, या वो फिट नहीं होता तो कहते इसकी फिटनेस प्रॉब्लम है। हम फाइनल खेले हैं, वो ये कहेंगे, फाइनल जैसे खेले सबको पता है, मैं तो नहीं मानता कि आप नहीं, वो तो ये भी कहेंगे ना कि भाई ये शख्स किसी जाती एजेंडा पे बैठा हुआ है, इसका फलाना मसला है, इसका निमकान कहने दे, ओपिनियन है ना। मुझे अगर किसी ने नोटिस भेजना भेज दे, मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ती। मैं तो पहले दिन से आपको कह रहा हूँ, मैं बात करूँ फैक्ट्स पे, पहले दिन से हम कह रहे थे कि अगर आप जैसे सिलेक्शन जब आपने की, तो आपने बड़ा लैपटॉप लेके आए और कहा जी मैंने तो ऑस्ट्रेलिया को देखा, मैंने शोएब मलिक को इसलिए नहीं रखा कि हमें आसिफ अली, या मुझे आसिफ अली से कोई, आसिफ अली बहुत अच्छा लड़का है, खुश दिल, कभी मतलब हम हमारे भाइयों की तरह मिलते हैं जब भी पीएसएल में मिलते हैं। बात करूं चीफ सेलेक्टर की, ये ज़्यादा इंपैक्टफुल प्लेयर है वहाँ पे, वो आपके तीनों इंपैक्टफुल प्लेयर खेले नहीं, ना खुश दिल खेला, ना हैदर खेला, ना आसिफ अली खेला, ये माने ना फिर इमाद वसीम फिर कहेंगे दोस्ती, मैं बात करूँ चीफ सेलेक्टर साहब की बातों का ये जवाब दे रहा हूँ, नहीं वो उनको अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, उनकी बॉलिंग में उनको थोड़ी डिफरेंट वैरायटी लानी पड़ेगी। तो भाई अब आपको भी अपनी सिलेक्शन में वैरायटी लानी पड़ेगी, आपको भी बाहर होना पड़ेगा, ये है मेरा जवाब उनके लिए। मुतालबा नहीं, वैसे हमारे ऐसा होता नहीं है कि कोई जिम्मेदारी ले, एक्सेप्ट करे, बोले हाँ ये हमारी गलतियाँ थी, ये फ्लॉस थे और मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। इस्तीफा तो चले नहीं लेंगे, जिम्मेदारी कोई नहीं लेता यार। देखो टीम हमारी फाइनल में आ गई, जब जीतते हैं तो क्रेडिट तो लेते हैं, बहुत ड्रेसिंग रूम तक चले जाते हैं स्पीच देने, वो देखेंगे क्या कह रहे हैं। मगर बात ये है कि जो 3 चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की कि आप शान को लेके आए वापस, उसको फखर को लेके आए, और तीसरा हमारा कौन आया, हारिस आया। तो अगर आपने ये कहा कि मैंने सिलेक्शन की थी जी ऑस्ट्रेलिया की टीम को देख, फिर ये 3 प्लेयर कैसे आ गए? ये भी ऑस्ट्रेलिया देख के सिलेक्ट, इसका मतलब है कि आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी, और ये हम अभी नहीं कह रहे कि मैच टीम हार गई है, और हम मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है। तो आपने किस बेस पे मिडिल ऑर्डर सेलेक्ट किया था? अभी आपने उनकी एवरेजेस दिखाई हैं सबकी, तो हम तो उस बेस पे कह रहे हैं कि आपको का कोई विजन नहीं है।